जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। देखिएगा, आज की इस वीडियो में हम समकोण त्रिभुज के बारे में बात करने वाले हैं। इन समकोण त्रिभुज में हम बहुत सारे सवालों को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए भाई, समकोण त्रिभुज में मैं कुछ आपको बताना चाह रहा हूँ, अच्छे से ध्यान से समझिएगा। आपके समकोण त्रिभुज जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उसमें सबसे बड़ी भुजा जो होती है ये आपकी कर्ण कहलाती है। इधर हो जाता है भाई साहब आपका आधार, ठीक है, और ये आपका हो जाता है लंब, ये हो जाता है लंब। देखिए, लंब और आधार का मान फिक्स नहीं है, ये परिवर्तित होता रहता है। मतलब अभी आपको बताऊंगा 888 से, लेकिन इन दोनों की कंपेयर में अगर हम इसका मान देखें तो कर्ण जो होता है ये त्रिभुज की सबसे बड़ी वाली भुजा होती है। ठीक है, देखिए आपके लिए कुछ 3-4 888 है जो आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि आपको पता है ये कर्ण है, इसको हम बताए थे, ये लंब है और ये क्या है भाई, आधार है। तो इसमें जहां लंब कर्ण आधार होता है वहां पाइथागोरस प्रमेय यूज होती है। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? देखिएगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस के आधार का वर्ग, ये होती है मेरे भाई पाइथागोरस प्रमेय। यानी कि लंब का वर्ग और आधार का वर्ग कर्ण के वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है। लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, दुई का वर्ग जो होता है ये कर्ण के वर्ग क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां पे देखिएगा, ये हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना आनी चाहिए। लेकिन हमको 888 आती है तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा और सवाल में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। देखिएगा, मैं आपको बता दूं कि 3-4 के साथ क्या होता है, 5 होता है। ठीक है, यहां एक और 888 है, 5-12 के साथ 13 होता है। ठीक है, 8-15 के साथ 17 होता है, 8-15 के साथ 17 होता है। ऐसे ही एक और 888 7-24 के साथ 25 होता है, 7-24 के साथ 25 होता है। और मैं आपको एक और लिखवा रहा हूँ, 5 888 करेंगे हम पूरी, और एक 20-21 के साथ 29 होता है, 20-21 के साथ 29 होता है, यानी 29। आपको दिख रहा होगा इनमें सबसे बड़ी वाली भुजा कौन है, 5। इन सब में सबसे बड़ी वाली भुजा कौन है, 13। इन सब में सबसे बड़ी वाली भुजा 17 है, यहाँ 25 है, यहाँ 29 है। कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। तो 3-4 के साथ 5 होता है, 5-12 के साथ 13 होता है, 8-15 के साथ 17 होता है, 7-24 के साथ 25 होता है, 20-21 के साथ 29 होता है। देखिए, इन दोनों का मान फिक्स नहीं है, लंब 24 भी हो सकता है, लंब 7 भी हो सकता है, लेकिन कर्ण फिक्स है कि सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, तो कर्ण होगी। आ रही मेरी बात समझ में? चलिएगा, तो भाई ये 5 आपको पूरी ईमानदारी से याद रखना है, और याद रखोगे तो फायदा आपका है, क्वेश्चन आप कुछ ही समय में थोड़ी सी देर में बना लोगे, दिक्कत भी कुछ नहीं आने वाली है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा फिर से, 3-4-5, 5-12-13, 8-15-17, 7-24-25, 20-21-29, घोट देना इनको, अच्छे से रट देना, याद कर लेना जोरदार तरीके से। ठीक है, इससे ऐसा बात नहीं है और 888 नहीं है, और भी 888 होती है, जैसे 6-8 के साथ 10 होता है, 6-8 के साथ 10 होता है। मैं आपसे पूछूं 12 और 15 के साथ क्या होगा, तो भाई किसी को 888 नहीं भी आती है तो काम हो जाएगा, क्योंकि हम इसके माध्यम से दूसरी 888 बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपके सामने लिखा कि 6 और 8 के साथ क्या होगा, तो मैक्सिमम बच्चों को पता है कि 6-8 के साथ 10 होता है। ठीक है, मान लीजिए हमें नहीं पता, तो एक काम करेंगे कि एक ही पाड़े से इन दोनों को काटने की कोशिश करेंगे। किससे काटें? 2 से 3 बार और 2 से 4 बार। तो ये बताइए, 3-4 के साथ क्या होता है? 5 होता है। 3-4 के साथ क्या होता है? 5 होता है। तो 3 × 6, 4 × 8, तो 5 × 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इससे ये पता चल गया कि 6-8 के साथ क्या होता है? 10 होता है। कल के दिन हमसे पूछ ले 12 और 15 के साथ क्या होता है, 12 और 15 के साथ क्या होता है, तो लोड नहीं लेना, इनको एक ही पाड़े से काटने की कोशिश करिएगा। तो किससे काटे? 3 से काटते हैं, 3 × 12, 3 × 12 और 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15। तो आपने 4 देखा, 5 देखा, तो आपको कुछ याद आ रहा है क्या? आपको याद आ रहा है 5 और 4 के साथ 3 हुआ करता था, 5 और 4 के साथ 3 हुआ करता था। तो देखिए यहाँ पे ये वो बन गया है 3-4-5, 3-4-5। तो यहाँ पे देखिए, ये 4 का क्या गुना था? 3 गुना,
ये 5 का 3 गुना, तो 3 का भी 3 गुना कितना होगा, 9 होगा। तो ये नई ट्रिपल एट का निर्माण हो गया कि 9 12 के साथ क्या होगा, 15 होगा। 9 12 के साथ क्या होगा, 15 होगा। भाई इस प्रकार से हम ट्रिपल एट बना सकते हैं। और भी ट्रिपल एट इनका गुना गुनी करने पे बनती है। जैसे बताइए 5 का डबल 10, ये बताइए 12 का डबल 24, और अच्छा ये बताइए 13 का डबल 26। आ रही बात समझ में? तो यहां से ट्रिपल एट क्या बन गई कि 10 24 के साथ क्या होता है, 26 होता है। 10 24 के साथ 26 होता है, ठीक है। 7 का डबल 14, 24 का डबल कितना होगा, 48। और ये बताइए 25 का डबल कितना होगा, 50। तो ये लो एक और ट्रिपल एट तैयार कि 14 48 के साथ क्या होता है, 50 होता है। आ रही मेरी बात समझ में? तो कैसे भी ट्रिपल एट दे, बड़ी छोटकी कैसे भी, हम ये पता लगा लेंगे काट के कि वो हमारी इन 5 से 6 ट्रिपल एट जो मैंने आपको बताई है इनमें मैच करती है कि नहीं करती है। तो भाई इनको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, बेहतरीन तरीके से घोट लीजिएगा। ठीक है, और अगर हमें ट्रिपल एट नहीं आती तो भैया फिर हमें लगाना पड़ेगी पाइथागोरस प्रमेय, हर सवाल में कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे बचने के लिए वो जो मैंने आपको लिखाया है भाई, ईमानदारी से उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल के बारे में। देखिएगा समकोण, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखना मेरे भाई समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, क्या होगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। तो यहां मैं लिखे दे रहा हूं आधार हिंदी में, और यहां हम लिख देते हैं ऊंचाई, यहां हम लिख देते हैं ऊंचाई, ठीक है। इस पहली वाली क्लास में हम मैक्सिमम बेसिकली सारे क्वेश्चन कर लेंगे, इसकी एक और सेकेंड क्लास लेके आएंगे, उसमें सारे जो भी एडवांस क्वेश्चन है और भी बहुत सारे वो सभी हम कर लेंगे, ठीक है। इसके अंदर वृत्त बनाना, इसके बाहर वृत्त बनाना, सारी चीजें कवर कर लेंगे, ठीक है भाई। तो आधार गुणा ऊंचाई, बात करूं परिमाप की तो देखो समकोण त्रिभुज का परिमाप जो होता है, ध्यान से सुनना, वही होगा तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। इसकी जो तीनों भुजाओं का योग होता है वही परिमाप होता है, वही परिमाप होता है। आप भी जानते हो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और जो 90 डिग्री का कोण होता है उसे ही क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। जो 90 डिग्री का कोण होता है उसे ही समकोण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है वो आपकी कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला बता दिया मैंने आपको, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। और परिमाप क्या होता है, तो परिमाप भैया ये होता है परिमाप तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, सवाल चालू करें, ठीक है। सवाल से देखिएगा, कुछ भी करो मेरे भाई, ये आप ट्रिपल एट जरूर याद कर लेना, इसके बाद सवालों पे आइएगा। ज्यादा बड़ी नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूं कि इनके सहारे से हम बड़े बड़े सवाल भी बना लेंगे, ठीक है। चलिएगा पहला सवाल देखिएगा, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, ये सीधी सी एक बात बोल रहा है। देखिएगा कि यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:2:3 है तो सबसे छोटका कोण बताइए, सबसे छोटका कोण बताइए, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे समकोण वमकोण कुछ नाम नहीं बोला है, 1:2:3 त्रिभुज की तीन भुजाओं का हमें अनुपात दे रखा है, सबसे छोटा कोण पूछा है। ये बताइए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री लिखिए, गुणे का चिन्ह लगाइए, ये बताइए सबसे छोटका रेशियो कौन सा है, एक है, जिसके बारे में पूछा है वो साथ में रहेगा, और सहमति तीनों की, तीनों का भागा दे देंगे, 3 2 5 और 1 कितना होगा, 6 का भागा दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सुनता छोटे कोण का पूछा था तो 1 का गुणा किया, बड़के वाले का पूछता तो किसका गुणा कर देते, 3 का कर देते, ठीक है। 6 से इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 3 18, 30 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, 30 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए भाई, 30 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। कोई भी त्रिभुज हो, सभी त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, सभी त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है आपको पता ही है, और सभी त्रिभुज का परिमाप यही होता है जो इसका था, तीनों भुजाओं का योग, ठीक है, क्षेत्रफल बदल जाता है बस। अगले क्वेश्चन को देखिए, यह भी ऐसा ही है क्या, बिल्कुल सर,
यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:7 है तो बड़े कोण का और सबसे छोटे कोण का अनुपात बताइए। बड़े कोण का और सबसे छोटे कोण का अनुपात बताइए 2:3:7। एक त्रिभुज के 3 अनुपात दे रखे हैं हमसे, सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण का अनुपात पूछा है। इसमें तो 180 का काम भी नहीं पड़ेगा यार। देखो सबसे छोटा कोण है 2 और सबसे बड़का वाला कोण है 7, तो अनुपात अनुपात देके अनुपात पूछ रहा, कैसी बात कर रहा है ये, अनुपात देके अनुपात पूछ रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा 2:7 की 7:2 आपसे बोला है बड़े कोण का सबसे छोटे कोण से अनुपात, तो बड़ा कोण आगे रहेगा मेरे भाई, बड़ा कोण आगे रहेगा, तो ये हो जाएगा 7:2। क्या हो जाएगा 7:2, बिल्कुल 7 देंगे और आगे भी देंगे, 7:2 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगर हमसे बोलता छोटे और बड़े का तो 2:7, हमसे बोले बड़े और छोटे का, बड़े कोण और छोटे कोण, देखो बड़े कोण का छोटे कोण से अनुपात, तो बड़का वाला आगे रख देंगे छोटका वाला पीछे रख देंगे, 7:2 आपका आंसर हो जाएगा, 7:2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, देखिएगा बढ़िया सा सवाल है प्यारा सा। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर है। 5, 12, 13 सेंटीमीटर है, 5, 12, 13 सेंटीमीटर है, ये बताइए 5, 12 के साथ क्या होता है, 13 होता है। तो भाई ये ट्रिपलेट मैंने अभी आपको याद कराई थी, और ये ट्रिपलेट कैसे बनी है सुनिएगा, कर्ण का वर्ग जो होता है ना वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होता है, अर्थात मैं ये कहना चाहता हूं कि 5 का वर्ग होता है 25 और 12 का वर्ग होता है 144, इस सबको जोड़ूंगा तो आएगा 169, और 169 ये बताइए अगर कर्ण के स्क्वायर के बराबर है तो 169 किसका स्क्वायर होता है, 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो ये बताइए कर्ण का मान कितना आएगा 13, इसीलिए 5, 12 के साथ 13 होता है, जो सबसे बड़की वाली भुजा होती है वो कौन होती है, कर्ण होती है, ठीक है। तो ये इसलिए ट्रिपलेट याद रखेंगे तो हमको फायदा मिलेगा उस चीज का। तो ये बताइए इसमें तो हम फॉर्मूला लगा दें सीधा सीधा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2 ऐसा के ऐसा, ये बताइए पहली भुजा क्या है 5, उसके बाद कितना दे रखा है 12, ये हो गई आधार गुणा ऊंचाई। देखना मेरे साथ यहाँ पे, यहां मैं अगर समकोण त्रिभुज बनाता हूं तो यहां मैं बोलूंगा 5, यहां मैं बोलूंगा 12 और यहां मैं बोलूंगा 13। देखो ये 13 फिक्स है, 5, 12 अल्टरनेट चेंज हो सकते हैं, और यहां कभी 13 मत लिख देना, यहां कर्ण नहीं आएगा, आधार और ऊंचाई आएगी, ये हो गया आपका आधार, ये हो गया आपका आधार, और ये जो लंब है ये किसका काम कर रहा है सर, ऊंचाई का, किसका काम कर रहा है ऊंचाई का, तो ये होगा आधार गुणा ऊंचाई, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, आधार गुणा ऊंचाई, इस चीज का ध्यान रखना, कर्ण को यूज मत करना मेरे भाई, ठीक है। और ये आपका 5, 12 चेंज हो सकता है, यहां पे हम 12 लिख सकते हैं, लंब को ज्यादा लिख सकते हैं, इसको 5 लिख सकते हैं, इसको 12 लिख सकते हैं, लेकिन वही बात आएगी 5, 12 के साथ क्या होता है 13 होता है। काट दें भाई, बिल्कुल सर, 2 से इसको काट देते हैं, 2 से 6 बार, 5 6 कितना हो जाएगा 30, 5 6 हो जाएगा 30, भुजा दे रखी थी सेंटीमीटर में, तो हमारा आंसर आएगा वर्ग सेंटीमीटर में, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारा आंसर आएगा वर्ग सेंटीमीटर में यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगले क्वेश्चन को बनाइए मेरे भाई, अब इसमें आपको बोला है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल बताइए। आपने एक चीज नोटिस करी, क्या उसने समकोण त्रिभुज बोला है, क्या उसने बोला है कि समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला लगाइए या ये समकोण त्रिभुज है, नहीं, मैक्सिमम अब एग्जाम में बोलना कम कर दिया उसने, बताता नहीं है, तो आपको पता लगाना है, जैसे 16 दे दिया, 12 दे दिया और 20 दे दिया, अब ये तो ट्रिपलेट मैंने भी आपको याद नहीं करवाई, मैंने खाली 5 याद करवाई है, लेकिन एक दिमाग लगाओ मेरे भाई शांति से, ये बताओ क्या ये किसी एक ही पाड़े से कटते हैं, नहीं कटे तो काटो ना, कोशिश करो किससे कटते हैं, 4 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, 4 चौक 16, 4 3 12
और चारों पंजे 20। ये बताइए तीन और चार के साथ क्या होता है? तीन और चार के साथ क्या होता है? पांच होता है। तो भैया ये 100% समकोण त्रिभुज का सवाल है, 100% राइट एंगल ट्रायंगल का सवाल है। तीन चार के साथ पांच होता है। अब इसके ने क्या किया देखो, चार का चार चौक 16, तीन चौके 12 और पचम पांच चौके 20, मतलब इसका चार गुना किया, इसका भी चार गुना किया, इसका भी क्या कर दिया, चार गुना। तो चार गुना करके सवाल बनाया गया है। इसलिए आपसे निवेदन है भाई कि जो मैंने ट्रिपल एड लिखी थी इनको अच्छे से एक बार कॉपी में लिखना, देखकर एक बार बिना देखकर इसको याद कर लीजिएगा। अगर आपको पहले से याद है फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ठीक है। चलिएगा, कहाँ गया हमारा सवाल, वहीं आ जाते हैं हम फिर से, ले लीजिए। अभी क्या पूछा है भाई, क्षेत्रफल पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, लगा देते हैं। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब मैं फिर से ये क्यों लगा रहा हूँ फॉर्मूला, मुझे पता चल चुका है कि ये समकोण त्रिभुज है। पहली भुजा 16, दूसरी भुजा 12, क्या 20 भी लिख सकते हैं? नहीं भाई, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, कर्ण को मत लिखना। 12 आगे लिख के 16 पाछे लिख सकते हैं, लेकिन 20 यूज नहीं करेंगे। चलिएगा, काट दो फटाफट। 2 से कितनी बार, 6 बार, 16 छंग कितना होगा, 96, 96 ये सेंटीमीटर में है, तो हमारा आंसर आएगा वर्ग सेंटीमीटर में, हमारा आंसर आएगा वर्ग सेंटीमीटर में। ऑप्शन में है क्या, ये रहा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब ही होता है वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर, समझ गए भाई। इसको उड़ा दीजिए आप अच्छे से। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं बोर्ड पर है, हाँ जी मतलब बोर्ड पर है, 7, 24 और 25। क्या ये भी समकोण त्रिभुज है? जी सर, याद करवाया था मैंने, 7, 24 के साथ क्या होता है, 25 होता है, 7, 24 के साथ क्या होता है, 25 होता है। तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यानी 7 × 24, 25 मत लिख देना भाई, है ना, 25 कर्ण है, 25 कर्ण है, ठीक है, काट दें। 2 से कितनी बार, 12 बार, और ये बताइए 12 सते कितना होगा, 84, 12 सते कितना होगा, 84 सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो भाई मेरा आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग सेंटीमीटर में, यानी वर्ग सेंटीमीटर में मेरा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलिए पहले इसको कर लेते हैं फिर उसको देख लेंगे। इधर देखना क्या कह रहा है ये, एक त्रिभुजाकार खेत की तीन भुजाओं की लंबाई 15 मीटर 20 मीटर और 25 मीटर है, उसमें 5 रुपए प्रति मीटर वर्ग मीटर, 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से बीज बोने का, बीज बोने की लागत बताइए। बीज बोना भैया, खेती करनी है, ठीक है, बीज बोना है। अब सुनना भाई को, ध्यान से सुनना, समझिएगा अच्छे से। ये बताइए मेरे भाई, ये बताइए सबसे बड़ी भुजा को क्या बोलते हैं, 25, इसको नाम दे दे 15, यहाँ क्या दे देते हैं 20, चलेगा बिल्कुल सर, दौड़ेगा। अब इस खेत के अंदर त्रिभुजाकार खेत है, इस खेत में हमको क्या बोने हैं, बीज बोने हैं, एसएससी सीजीएल में आया भी था ये, लो भैया ये बीज बोने हैं हमको, इस प्रकार से बोले। ये तो क्या रेलमा बन गया, रेलमा नहीं बीज ही बोना है, देखो ये बीज बो दिया हमने, तो हमको बीज बोने के कितने रुपए मिल रहे हैं, हमको 5 रुपए मिल रहे हैं प्रति वर्ग मीटर के, प्रति वर्ग मीटर के, मतलब 1 वर्ग मीटर बीज बोने के 5 रुपए, तो पूरे के कितने होंगे। तो ये बताइए बीज बोने का काम हो कहां रहा है, खेत पे ही तो हो रहा है, खेत पे मतलब एरिया पे, ये जो होता है ना बाबू बीच में, ये क्षेत्रफल होता है, कहां होता है, क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल पे बीज बोरे जा रहे हैं, तो इसका क्षेत्रफल निकालते हैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो ये देखिए 1/2 ऐसा कैसा, आधार कितना हो गया मेरा 15, ऊंचाई कितनी हो जाएगी 20, है ना, इनको आगे पीछे भी लिख देंगे तो चलेगा। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना, ये हो गया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में गुणा कर दो रुपए का, कितने रुपए दे रहा है वो 1 वर्ग मीटर के 5 रुपए, 5 का गुणा कर दो, काम खत्म। अगर आपने मेरी क्षेत्रफल में
मैंने जो आयत पे वीडियो बनाई थी पहली वाली, अगर आपने देखी होगी तो मैंने आपको बताया था कि खर्चा कैसे निकालते हैं, लागत कैसे निकालते हैं। जहां भी हम काम कर रहे हैं वहां का एरिया ले लो, उसके अंदर रुपए का गुणा कर दो। अगर हमें परिमाप पे काम करना है, जैसे बाड़ लगानी है, तो परिमाप ले लीजिए और परिमाप में रुपए का गुणा कर दो। अभी बीज बोने का काम कहाँ चल रहा है, क्षेत्रफल पे, तो क्षेत्रफल निकाल के उसमें प्रति वर्ग मीटर के रुपए का गुणा कर दो। चलिएगा कर देते हैं मेरे भाई, दो धमाकी 10 हो जाएगा, ठीक है। 15 धमाकी कितना हो जाएगा, 150। 150 में गुणा किसका, 5 का। 15 पंजे कितना होगा, 75। 750, 750, 750 रुपये आपका आंसर होगा। 750 रुपये आपका आंसर हो जाएगा, 750 ऑप्शन में है कि नहीं है, है ना, तीसरे नंबर पे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, समझ गए भाई। इसके जैसा एक और सवाल लगा रहा हूं, इसको बनाने की कोशिश करिए। क्या उगाना है, भूमि का एक त्रिभुजाकार भाग जिसकी भुजाएं क्रमशः 72 मीटर, 30 मीटर, 78 मीटर है, इसको 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने की लागत क्या होगी। समतल मतलब मेरे भाई उसको एक जैसा करना है, मतलब क्या उबड़ खाबड़ हो रहा है, वो उबड़ खाबड़ ग्राउंड हो रहा है, उसको एक जैसा करना है। और जो ग्राउंड है वो कैसा है, त्रिभुजाकार, कैसा है भाई, त्रिभुजाकार है, ठीक है। लो इसको रेडी कर देते हैं, इसको समतल करना है। कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का। अभी डिग्री डिग्री की बात हो ही नहीं रही, सबसे बड़ी भुजा कितनी है, 78। फिर एक कितनी है, 72, और एक कितनी है, 30। देखो अभी मेरे को पता है कि मैं आपको समकोण त्रिभुज पढ़ा रहा हूं, तो सवाल भी समकोण त्रिभुज के होंगे, बट आपको चेक करना है भाई एग्जाम में, मेरी बात सुनो। मान लीजिए ट्रिपल एट नहीं बनती है, तो वो त्रिभुज फिर आपका विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा, वहां पे फिर चेंज हो जाएगा तरीका, ध्यान रखना। अगर तीनों भुजाएं अलग अलग हो जाती है तो त्रिभुज की भुजाएं कितना दे रखा हमको, 72, और कितना दे रखा है, 30, और कहा दे रखा है, 78। अब हमने ये ट्रिपल एट याद नहीं करवाई है, हमने सीधा सीधा आपको वो 5 ट्रिपल एट याद करवाई थी, लेकिन हमें पता करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं, हमें पता करना है ये समकोण त्रिभुज है या नहीं। क्या करेंगे, इसको एक ही पाड़े से काटने की कोशिश करेंगे। किससे काट दें, 6 × 5 = 30, ये कट जाएगा। देखो 6 से काटे, 6 × 6 = 6, 6 × 2 = 12, 6 से ये कटेगा, 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 6 और 6 = 18। क्या ऐसी ट्रिपल एट आपने देखी है, नहीं देखी सर, कहाँ नहीं देखी भैया, ऐसी तो बिल्कुल देखी है। याद करो इसको, क्या था, 5 × 12 के साथ क्या होता था, 13, 5 × 12 के साथ क्या होता था, 13, इसीलिए मैंने बोला था पहले उसको याद कर लीजिए, ठीक है। 5 × 12 के साथ 13 होता था, अब देखिए 12 × 72, 5 × 30, 13 × 78, तो भाई ये 100% मुझे पता चल गया कि ये समकोण त्रिभुज है, तो यहां मैं वो चीज लगा सकता हूं, क्या, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इस प्रकार से हम सवाल को कर सकते हैं, दिख रहा है भाई, ठीक है। तो देखना मेरे भाई क्या हो जाएगा, 1/2 आधार लिख दो, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखे, अरे लिख दो सर डायरेक्ट, 30 × ये कितना हो जाएगा, 72। ये हो गया मेरे भाई क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल में गुणा कर देते हैं हम लोग, गुणा कर देते हैं कितना, 20 का। अब सुनना, आपको मैं बता दूं कि उस सवाल में हमको 5 रुपए दे रखे थे, इसमें 20 पैसे दे रखे हैं। रुपए ज्यादा होते हैं कि पैसे, रुपए ज्यादा होते हैं, पैसे कम होते हैं, तो पैसे को रुपए बनाना पड़ेगा। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो जब आप इसमें 100 का भागा दोगे तो ये रुपए बन जाएगा। बोले रुपए में क्यों बना रहे सर, पैसों में आंसर दे दो। वो तो पैसों में देंगे नहीं, क्योंकि हमें जो दे रखा है ना आंसर, ये देखो रुपए रुपए में दे रखा है, सब सारे ऑप्शन रुपए रुपए में, तो रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए यही काट देते हैं भाई, इसको ब्रेकेट हटा भी दे तो अब कोई दिक्कत की बात नहीं। ये लीजिए, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा था कि क्षेत्रफल गुणा रुपए, क्षेत्रफल गुणा रुपए, काट दें इसको बिल्कुल। चलिए करें कैलकुलेशन, ये 1 0 1 0 2 0 खत्म हो गया भाई, ठीक है। अब किसको काट दें, इस 2 से ये 2 भी हम खत्म कर देते हैं, इसका काम ही खत्म, ठीक है। ये दोनों का गुणा कर दीजिए, 3 × 2 = 6 और 7 × 3 = कितना, 21। 1 का गुणा करने से कुछ मतलब है नहीं है, तो 216 रुपये मेरा आंसर हो जाएगा, 216 रुपये मेरा आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में लीजिए भाई।
तो कभी ध्यान रखना, रुपए दे दे तो कुछ नहीं करना है, पैसे दे दे तो उसको रुपए में कन्वर्ट करके गुणा करना, ठीक है? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजाएं 9, 10 तथा 11 सेंटीमीटर है। 9, 10 तथा 11 सेंटीमीटर है। अब मुझे ये बताइए, 9 भी है, 10 भी है, 11 भी है, ये 888 हमने आपको याद करवाई है क्या? पहले तो इसको देख लेते हैं, ये 888 याद करवाई है क्या? ऐसा तो है ही नहीं सर, 888 में ऐसा तो है ही नहीं। ठीक है सर, तो ये तो है नहीं, 888 नहीं यार, ये क्या बात है इसके अंदर? सुनना, अब ये बताइए 9 और 10 के साथ 11 होता है, ऐसा कहाँ लिखा है? नहीं लिखा है, चेक कर लो। 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, ये हो जाएगा 181। क्या 181 11 का वर्ग होता है? नहीं। तो भाई ये समकोण त्रिभुज नहीं है, त्रिभुज का नाम लिया है ना, लेकिन ये समकोण नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना, समकोण नहीं है, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ये त्रिभुज है विषमबाहु। इसमें लगेगा एस वाला फॉर्मूला जो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो इस सवाल को भी ड्रॉप कर दे रहे हैं, इसको हम आगे लेंगे, ये इसके अंदर आ चुका होगा, ठीक है? लेकिन ये समकोण त्रिभुज नहीं है, इसके अंदर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई मत लगा देना मेरे भाई, ये गलत हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि ये वो वाला त्रिभुज नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को करिएगा, उन सवालों को हम अगली वीडियो में लेंगे, विषमबाहु, समबाहु, समद्विबाहु, समकोण त्रिभुज सारे सवाल करेंगे। चलिए अब तो पता चली जाएगा कि समकोण त्रिभुज एक, बोले सर कैसे? अनुपात दे दिया ना, 3-4 के साथ 5, 3-4-5 अनुपात में है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 यूनिट है। देखो यूनिट बोला, यूनिट में कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर, मीटर, उसने एक इकाई लगा दी बस कि ये इकाई है, ठीक है? तब सबसे छोटकी भुजा बताइए, सबसे छोटकी भुजा बताइए, ठीक? क्षेत्रफल दे रखा है तो हमें अनुपात दिया है 3:4:5, अनुपात दे रखा है तो एक्स पुट कर लेते हैं, कोई आपत्ति नहीं सर। क्षेत्रफल कितना दिया रखा था? क्षेत्रफल हमें एरिया कितना दे रखा है? बोर्ड 72। तो देखो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, तो ये आधार और ये ऊंचाई, ये आधार और ऊंचाई आगे पीछे लिख सकते हैं, बस कर्ण को मत लेना। आधार गुणा ऊंचाई बराबर कितना? 72। चलिएगा काट दें इसको, 2 से के बार, 2 बार कटेगा, 3 × 6, 6 × 1 = 6, 6 × 12 12 हो गया। ये बताइए एक्स एक्स कितना होगा? एक्स स्क्वायर बराबर उधर कितना है? 12। वाह भैया 12 आ गया। तो ये बताइए एक्स बराबर 12 पे का लग जाएगा? रूट लग जाएगा। और 12 को मैं अगर और तोड़ना चाहूं तो कैसे टूटेगा? 4 × 3 = 12 कैसे टूटेगा? 4 × 3 = 12 और अगर मैं अब एक्स का मान निकालू, तो बताइए 4 तो बाहर आ जाएगा, 2 बन जाएगा, √3 अंदर रह जाएगा अकेला कुंवारा की तरफ, तो एक्स बराबर हो जाएगा 2√3। एक्स बराबर हो जाएगा 2√3। आंसर मत लगा देना, रुकना, एक्स का मान है वो। एक्स का मान देखो 4 × 3 थोड़ा, हमने 4 का वर्गमूल का होता है 2 होता है, √3 का वर्ग नहीं होता तो √3 ही अंदर ही रह जाएगा, ये एक्स का मान आ गया। हमसे क्या पूछा था भाई? सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा तो ये है, तो 3 में गुणा कर दो एक्स के वैल्यू का। एक्स का मान क्या था? 2√3। क्या था? 2√3। तो संख्या का संख्यात्मक मान से गुणा होगा, 3 × 2 कितना हो जाएगा? 6√3। ये आपका आंसर हो जाएगा, देखिए किस ऑप्शन में है, 6√3 भाई आपका आंसर हो जाएगा, 6√3 कंप्लीट, 6√3 ठीक है, आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसकी प्रैक्टिस करिएगा एक दो बार, बेहतरीन हो जाएगा। अगर ये किसी का वर्गमूल हो जाता तो बात ही नहीं बढ़ती, काम आसान हो जाता, ठीक है? चलिएगा, देखो इस प्रकार का एक और सवाल है, हो सकता है आपको नहीं दिख रहा हो, मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है भाई? मैं पढ़ देता हूँ। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है, मतलब ये समकोण त्रिभुज है, आई एम श्योर, यू आर श्योर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है,
216 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका परिमाप कितना है, परिमिति कितनी है, परिमिति को ही परिमाप कहते हैं, और परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, ठीक है, तीनों भुजाओं का योग, तो 3x 4x और क्या हो जाएगा 5x। लीजिए भाई, ये मैंने तीनों अनुपात लगा दिए, कोई दिक्कत किसी को, नो दिक्कत सर। अब हमसे क्षेत्रफल दिया है तो रख दीजिए क्षेत्रफल का, रख दें 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार 3x और ऊंचाई कितनी 4x, बराबर ये बताइए कितना 216, क्या लिख दिया मैंने 216। आ गई होगी आपको बात समझ में मेरे भाई, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, दो से काट देता हूं मैं इसको दो बार, ठीक है। अब किससे काटें, छह से, देखो 3 × 2 = 6, ये 3 से 2 कटा नहीं मेरे भाई, ये दोनों का गुणा करके इसको काटेंगे, ठीक है। तो 3 × 2 का होता है 6 होता है, 6 × 3 = 18 और 6 × 6 = 36, 6 × 3 = 18, 6 × 6 = 36, ओके। एक्स एक्स कितना होगा, एक्स स्क्वायर, अच्छा बराबर कितना 36, तो x बराबर अगर मैं 36 से रूट लगाऊं तो कोई परेशानी नहीं सर, पहले भी नहीं थी तो क्या होगी, ये बताइए x का मान क्या पॉइंट में आएगा, नहीं, x का मान 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब हमसे पूछा था परिमाप, तो देखो एक काम कर सकते हैं, डायरेक्ट करना हो तो परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है, तो एक 6 के अंदर सबका योग करके गुणा कर देते हैं, मेरी बात समझना, परिमाप पूछा है, परिमिति पूछी है, तीनों भुजाओं का योग, तो ये हो जाएगा 5 और 4 9 9 3 12 12 का गुणा करेंगे 12 × 72 आपका आंसर हो जाएगा 72 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर। ठीक है, डायरेक्ट कर दो, बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, या फिर अलग अलग करेंगे तो भुजा निकालनी पड़ेगी सब। देखो जैसे 6 का गुणा यहाँ करेंगे तो 6 × 3 = 18, 6 का गुणा यहाँ करेंगे तो 6 × 4 = 24, और 6 का गुणा यहाँ करेंगे तो 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 30, समझे भाई। तो ये सबसे छोटी भुजा 18, सबसे बड़की भुजा 30, बीच की भुजा 24, इन सबको हम जोड़ दें तो 8 × 4 = 12 = 2 हासिल, 1 × 3 = 2 = 5 6 × 1 = 7 = 72, फिर भी आंसर बेहतर ही आएगा, है ना, समझ गए आप लोग, 72 आंसर हो जाएगा, 72 आपका आंसर हो जाएगा, उम्मीद करते हैं भाई समझ गए होंगे इसको। आगे बढ़ते हैं, लो भैया इसको बनाओ, ये भी ऐसे ही दिख रहा है, अच्छा सवाल है, देखिएगा करो इसको, इसमें आपको नाम भी दे दिया उसने कि किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 5:12 के अनुपात में है, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 वर्ग सेंटीमीटर हो तो कर्ण की लंबाई क्या होगी, तो कर्ण की लंबाई क्या होगी, लो भैया कर्ण की लंबाई क्या होगी, बहुत ही बढ़िया। देखो एक चीज हमें ओवर स्मार्ट के चक्कर में पता जाएगा, देखो आपको क्या दे रखा, भुजा अनुपात में दे रखी 5:12, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 5x और 12x। एक चीज बताइए हमें 5:12 के साथ क्या होता है, अब देखो यहाँ अगर बेसिक करेंगे बड़ा होगा, आप दिमाग लगाइए 5:12 के साथ क्या होता है, सर 13 होता है, बताए थे ना 5:12 के साथ 13 होता है, तो 13x कर्ण, ये मुझे पता चल गया, ये हमें पता चल गया, हमें क्षेत्रफल दे रखा है 270, क्या दे रखा है 270, तो देखिएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई ये कितना दे रखा है 270 आधार गुणा ऊंचाई। अब देखो मेरी बात को ध्यान से, 2 से ये कितनी बार कटेगा 6 बार, कितनी बार कटेगा 6 बार, एक चीज समझिए ध्यान से, हम गुणा करते हैं 5 × 6 = 30, 30 कितना आया 30, और 30 का इसमें भाग दे देंगे सीधा सा, देखना मैंने 5 और 6 का गुणा किया 5 × 6 = 30, 30 के इसको काटेंगे तो के बार कटेगा 9 बार, ठीक है काट दे डायरेक्ट बिल्कुल, तो 5 × 6 = 30, 0 से 0 ये कितना हो जाएगा 9, तो x² = 9, तो x = √9, जो आपको कितना दिखाई दे रहा है 3, क्या दिख रहा है मेरे भाई 3 दिख रहा है, लो सर काम हो गया 3 दिख रहा है। क्या पूछा है हमसे, कर्ण की लंबाई बताइए, कर्ण की लंबाई, तो कर्ण तो 13x था, 13 में गुणा कर दीजिए किसका,
एक्स के मान का 3 का, बोलो 13 तिया 39, कहीं ना आएगा सेंटीमीटर में आंसर 39 सेंटीमीटर। कौन से ऑप्शन में है? पहले ऑप्शन में 39 सेंटीमीटर, 39 सेंटीमीटर। चलिएगा आगे बढ़े भाई, अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सवाल है, दिमाग लगाइएगा, बहुत शानदार तरीके से हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, हम पढ़ दें इसको। देखिएगा, एक समकोण त्रिभुज का परिमिति, परिमिति मतलब परिमाप, परिमाप 60 सेंटीमीटर है, विकर्ण 26 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल बताइए। देखो परिमाप क्या दिया है, परिमाप, परिमाप मुझे दिया है 60, और विकर्ण, विकर्ण कितना दिया है, विकर्ण कितना दिया है 26। ट्रिपल एट याद है भाई तो काम अच्छा हो जाएगा, मैं तो यही बोलता हूं फिर से 26। क्षेत्रफल बताइए, तो क्या करना है एक बात बताइए आपको, कैसा ऐसा ट्रिपल एट याद है जिसमें विकर्ण 26 होता था, ऐसा विकर्ण याद है क्या जिसमें 26 विकर्ण होता था, क्या ऐसा हमने याद करवाया, लगा दो इल्जाम की नहीं करवाया, सही में भी नहीं करवाया क्या, बोले सर 25 होता था राउंड फिगर में, नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकते, 26 वाला विकर्ण नहीं था, 29 वाला था। अब देखो एक दिमाग लगाइए, छोटा सा काम करना मेरे भाई, समझना अच्छे से भाई। देखिएगा 26 है, ये 26 को किसी से काटने का प्रयास करो, 26 को मैं 2 से काट दूं, 2 से 13 से काट दोगे, 13 दूनी 26 मतलब नहीं है, छोट के पाड़े से काटो, ज्यादा बड़का भी नहीं। देखिएगा 2 से ही कटेगा कितनी बार, 13 बार, 13 विकर्ण होता है ऐसी को त्रिपलेट हमें आती है क्या, जिसमें 13 विकर्ण होता है ऐसी को त्रिपलेट हमें पता है क्या, बिल्कुल पता है सर, 5 12 के साथ 13 होता है, 5 12 के साथ क्या होता है, 13 होता है। अब आप देखिए यहाँ पे 5 12 के साथ 13 होता है, 13 का डबल 26, तो 12 का डबल 24, तो 5 का डबल 10, तो मैं ये बोल सकता हूं क्या कि एक भुजा 10 होगी, एक भुजा 24 होगी, तभी तीसरी भुजा 26 होगी, तभी तीसरी भुजा 26 होगी। आप देखिए ना 5 का डबल 10, 12 का डबल 24, तभी तो ना 13 का डबल 26 होगा। तो ये एक नई त्रिपलेट की हमने खोज कर ली कि 10 24 के साथ क्या होता है 26, और ये भी कौन सा त्रिभुज है मेरे भाई, तो ये समकोण त्रिभुज है, ये हम श्योर हो गए। अब एक और चीज है हमको पता करने के लिए कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं, गुड्डू जो परिमाप होगा वो 60 होगा, परिमाप मतलब समझते हैं तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। जोड़ के देखो 20 20 40 6 46 46 और 4 50, 50 और 10 कितना होगा 60, अर्थात आप तीनों को जोड़ोगे तो 60 आएगा, यानी हम श्योर है कि परिमाप कितना है 60 है। लगा दीजिए भैया तड़का, अंग अंग भड़का, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये लीजिए आधार कितना ले लूं मैं 10, ऊंचाई कितनी ले लूं 24, कैसे भी आगे पीछे ले लो सर, लेकिन कर्ण मत लेना, कर्ण नहीं लेना ठीक है। चलिएगा 2 से कितनी बार 12, और ये बताइए 12 धमाकी, 12 धमाकी 120, ये क्षेत्रफल आएगा आपका सेंटीमीटर में, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आंसर आ जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर में, वर्ग सेंटीमीटर में आपका आंसर हो जाएगा भाई, बहुत ही शानदार जबरदस्त। ये तो सवाल बिल्कुल हलवा है आपके लिए, तो जलवा है। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, एक त्रिभुज की भुजाएं 3, 4 तथा 5 सेंटीमीटर लंबी है, इसका क्षेत्रफल बताइए। क्षेत्रफल निकालना सरल होगा, 3 × 4 कर दीजिए, इसका क्षेत्रफल भी सस्ता ही आएगा, 3 × 6 बार, 2 × 2 बार, 3 × 6 बार, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर, वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर, बहुत ही बेहतरीन लाजवाब। चलिएगा और भी क्वेश्चन है कहाँ, लीजिए इसको बनाना मेरे भाई, अच्छा सवाल है, ग्रुप डी में आया हुआ है।
एक त्रिभुज की तीन भुजाओं का अनुपात, अनुपात नहीं है बाबू, भुजाई दे रखी है, 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़कर एक छोटा त्रिभुज बनाया जाता है। छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। और वाह, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। देखो एक बात समझना, बहुत ही प्यारा सवाल है, कुछ नहीं करना इसमें, थोड़ा उलझना भी नहीं जाना। इसने बताइए भुजाएं क्या क्या दे रखी है, लिख दूं पहले मैं? बिल्कुल, 5, 12 और 13, ठीक है। उसने क्या बोला जानते हैं? उसने बोला इसके मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया गया, मध्य बिंदुओं को जोड़कर। मध्य बिंदु मतलब ये इसका मध्य बिंदु यहाँ हो गया, ये मध्य बिंदु यहाँ हो गया, इन मध्य बिंदु को जोड़ा, इन मध्य बिंदु को जोड़ा और जोड़कर एक समकोण त्रिभुज बनाया। भैया इसके मध्य बिंदु को जोड़ेंगे तो समकोण त्रिभुज ही बनेगा, ध्यान रखना, मध्य बिंदु से समकोण त्रिभुज बन जाएगा यहाँ से। ये देखो भाई, दो भुजा से थोड़ी त्रिभुज बनेगा, अरे कहाँ चला गया, दो भुजा से थोड़ी बनेगा, तीन भुजा होनी चाहिए, ठीक है। लाइन आ जाएगी क्या? बिल्कुल, लेके आते हैं, ये देखो, लीजिए, ये हमने बना दिया छोटा त्रिभुज, दिख रहा है? ऊपर वाला थोड़ा अच्छा ना दिख रहा, ऊपर वाले को भी हमसे कर देते हैं, ये लीजिए, ये हो गया भैया आपका एक समकोण त्रिभुज। अंदर देखो तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़ा, इसका ये मध्य बिंदु, इसका ये मध्य बिंदु, इसका ये मध्य बिंदु, सेंटर पॉइंट, इनको जोड़कर एक छोटा त्रिभुज बनाया। छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है हमसे, ये एरिया पूछ रहा है, ये वाला हमसे ये एरिया पूछ रहा है, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, मैं बड़े वाले का निकालता हूँ, बड़े वाले का निकालते हैं, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार क्या है मेरे भाई? 5। ऊंचाई कितनी है? 12, ठीक है, काट दो इसको सबसे पहले। 2 × 12, 5 × कितना होगा? 30। 5 × कितना होगा? 30। तो क्या 30 आंसर लगा दूं? नहीं, 30 तो बड़े वाले का है, 30 बड़े वाले का है। देखो जितने इसके आकार है ना, इतना ही इन सबका आकार है, 1, 2, 3, 4। अंदर कितने बन रहे हैं त्रिभुज? 4 त्रिभुज, देखो ना, 1, 2, 3, 4, 4 त्रिभुज बन रहे हैं इसके अंदर। हर त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होगा और हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो कुछ नहीं करना है बाबू, इसमें 4 का भागा दे दो, फिर सुनना 4 कहाँ से आया, ठीक है। इसके अंदर 4 ट्रायंगल बन रहे हैं, चारों समान हैं, चारों का भागा दे देंगे, अंदर वाले का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। काट दें इसको, 2 × 15 बार और 2 × 2 बार, 15/2 का आधा कर दो भैया, मतलब 15/2 का मान का होगा, 15/2 का मान होगा 7.5, यानी 7.5, और क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, यानी कि वर्ग सेंटीमीटर में, वर्ग सेंटीमीटर में 7.5 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी में चले जाएंगे आंसर। ठीक है, इतनी है तो ठीक है भाई, इन 888 को अच्छे से याद कर लीजिएगा। मैंने इसमें नॉर्मली जनरली सवालों को लिया है और आगे की वीडियो में हम और भी इसके बड़े बड़े सवाल करेंगे, साथ ही विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, सभी को हम क्लियर करेंगे अच्छे से एक एक बार, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है, अब जो भी वीडियो आएगी SSC रेलवे व्यापम पे आने वाली है, जिसी भी है, तैयारी अच्छे से करिएगा और हम भी चैप्टर वाइज वीडियो इस पे लाते रहेंगे। बहुत ही जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो कमेंट में बताइएगा कैसी लगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।